प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का विशेष उद्देश्य ये है कि अभी हाल में ही 6 अप्रैल को जो खटियानी झारखंडी पार्टी का की स्थापना हुई और जिसके अध्यक्ष हैं श्री अमित महतो जी और पूर्व विधायक, और साथ ही साथ उस दिन जो मेरे नाम की भी घोषणा जो महासचिव के बतौर कर दी गई थी, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ना मुझे उसकी पहले सूचना दी गई थी ना ही मेरी सहमति ली गई थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मीटिंग 24 दिनों से लोगों की उसमें उपस्थिति की बात थी, मीटिंग जो विचार विमर्श के लिए, जिसमें से निश्चित रूप से हमारे जो अभी जो भाषा स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति को लेके और सारी बातें हम लोग जो बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि उद्योग नीति और विस्थापन और पुनर्वास की बातों को लेके मीटिंग की बात हुई थी वहाँ पर, जिसमें हमारे सभी लोगों को जो हमारे आंदोलन के साथ में चल रहे हैं सबके उपस्थिति की बात की गई थी, सूचना देने की बात की गई थी। मगर वहाँ पर काफ़ी लोग जो अनुपस्थित रहे तो हैरानी तो थी ही मुझे, और मैंने अपने संबोधन में जो शुरुआत के जो संबोधन में था मैंने कहा भी था इस बात को कि जब हम लोग आंदोलन में साथ में चल रहे हैं तो बाकी लोगों को भी वहाँ पर होना चाहिए। और ये बात भी हो गई कि वहाँ पर पार्टी की स्थापना की बात की, तो इसको भी लेके थोड़ा सा मेरी प्रतिक्रिया उसमें भी जाहिर हुई थी, और अप्रत्याशित रूप से बिना मेरी सहमति लिए गए मेरा नाम बतौर महासचिव घोषित कर दिया गया कि किन्हीं कारणों से ये सब कुछ करना पड़ा इस तरह से। तो उस समय तो मैं चुप रही, मगर निश्चित रूप से मुझे लगा कि पारदर्शिता नहीं शुरू से ही इसमें है, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत असहज महसूस करने लगी, और फिर बाद में ये प्रतिक्रिया भी आने लगी बाकी लोगों के जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और जनमानस का भी कि इस तरह का नहीं होना चाहिए अभी इस तौर पे, क्योंकि मैं भी उसके हमेशा से ही पक्ष में रही हूँ कि जो भी फैसला हो सबको के साथ सबके विचार विमर्श होके, और सब जो यहाँ पर नहीं हुआ था आनंद फानंद तौर पे, जो भी उनके अपने कारण रहे जो उन्होंने आज तक मुझे स्पष्ट नहीं किया, तो मुझे फिर लगने लगा कि मेरा इस तरह से, क्योंकि मैं हमेशा से मैंने राजनीति में अपने सिद्धांत और नियम के साथ ही मैं चली हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों नहीं रही हो, मैं अपने शर्तों पे मैंने काम किया हूँ कभी, और यहाँ पर मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप को बहुत असहज महसूस करने लगी कि इस तरह का, और बाकी हमारे भी जो साथी हैं वो भी छूट जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पार्टी से अपने आप को अलग कर लूँ, और बाकी जो हमारे अपने जो आंदोलन के साथी जिनके साथ मैंने हमेशा, चाहे नौजवान हों या वरिष्ठ हमारे अपने जितने भी अनुभवी नेता हैं, तो उनके साथ मुझे लड़ाई रहना ज़्यादा बेहतर है, और जब हम फिर जो भी फैसला लें, अगर थर्ड फ्रंट की बात भी होती है तो ये आम चर्चा इस बात के लिए है, तो जो भी हो सबकी सर्वसम्मति से और अच्छी तरह से आपसी विचार विमर्श के बाद, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसलिए मुझे अपने आप को इस पार्टी से, जो झारखंडी खाद्यान्न पार्टी है, उससे अपने आप को अलग करना है। तो ये वर्ष और जीवित रहते तो वो जिस तरह से अपने धुन के पक्के थे वो भी हो जाता, मगर दुर्भाग्य है जिस तरह से आंदोलन आगे चलता रहा बढ़ता रहा, और जो जिस तरह से हम लोगों को, अगर आखिरकार हम लोग को झारखंड राज्य मिला, मगर क्या वो हमने देखा जिसकी, क्या उसकी पूर्ति हो पाई जिसलिए झारखंड बना, जो अलग अपनी भाषा परंपरा संस्कृति और मनोवृत्ति के चलते जो बिहार से अलग हुए क्या वो सफल हो पाया, जो मौलिक रूप से संविधान में जो एक लिखा हुआ है, जब आज़ादी के बाद संविधान की जब का निर्माण हो रहा था तो उसमें राज्य गठन समिति के जो अध्यक्ष थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट में ये है सारा कुछ है कि एक क्षेत्रफल में निवास करने वालों की भाषा परंपरा संस्कृति ही उस राज्य का जो है गठन बने, उसकी उसी के आधार पर गठन होगा और उसका वहां पर नामकरण होगा, उनको भी डाला गया। मैं तो इसमें शुरू से ही जुड़ी रही, जब मैं विधायक थी, मैं मंत्री थी, तब भी मेरा ये स्टैंड था इसके अगेंस्ट, इसलिए
मेरे संज्ञान में जब ये आया तो मैं तुरंत समझ गई, मुझे समझने में देर नहीं लगी और इसलिए मेरा विरोध 27 जनवरी को सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ में हुआ, जिसमें सिर्फ क्षेत्रीय भाषा की ही बात नहीं थी, उससे पहले मुख्य सचिव जो है झारखंड के मुख्य सचिव के द्वारा एक ऐसी चिट्ठी निकली जिसमें 40-45 वर्ष पहले जो यहाँ पर राजस्थान से आके लोग प्रवासी यहाँ पर हैं उनकी जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की अर्हता हटाने की बात यहाँ पर की गई। 20 जनवरी 2022 को ये समाचार पत्र में निकलता है कि एक पीआईएल के आलोक में झारखंड उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पांचवी अनुसूची के जो 13 अनुसूचित जिले हैं जिसमें अभी तक ये सुरक्षा कवच था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को ही तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी में वहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, उस व्यवस्था को भी तोड़ने का काम किया गया। सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं यहाँ पर दाखिल किया गया कि पांचवी अनुसूची में, जबकि ये गजट नोटिफिकेशन ये सारा जारी है उसमें ये पूरी तरह से नोटिफाइड जिला है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती थी, मगर ये इस राज्य में हुआ है और सब लोग चुप रहे। ये इतना अनर्थ हमारे साथ लगातार होता रहा, चाहे वो भाषा का हो या प्रवासियों के लिए व्यवस्था दी जा रही हो या हमारे अपने 13 अनुसूचित जिलों के साथ इस तरह से जो इतना अनर्थ किया गया है, ये सारी चीज़ों ने मुझे विवश किया कि जिसमें हमारे अपने जो लोग हैं यहाँ पर, जो मैं जिस पार्टी से मैं जुड़ी रही उस वहाँ से भी इसके लिए उसके विरोध में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि दबाव ये बनाया गया कि यहाँ भाषा को जो आपके स्थानीय नीति को जो जिस तरह से असंवैधानिक रूप से हाई कोर्ट में 2002 में यहाँ पर उलझा के रखा गया, स्टे करवाया गया, ये क्या सही है? हर राज्य की स्थानीय नीति बनती है, हर राज्य की अपनी नियोजन नीति बनती है, हर राज्य की अपनी भाषा नीति होती है, मगर झारखंड ही में ये इस तरह का क्यों हुआ? यहाँ पर क्योंकि मजबूत नेतृत्व की कमी से ये सारा कुछ हुआ, विजन की कमी से इस तरह से हुआ। जिस राज्य को पाने के लिए 28 सालों तक का इतना लंबा संघर्ष चला, खून और पसीना एक किया हमारे पूर्वजों ने, अरगवाओं ने, उसका अपमान यहाँ पर लगातार होता रहा। उसके बाद जो 2003-04 से यहाँ पर जो दूसरा ना, कल जब आप अपने घर में नहीं समझा पा रहे हो तो दूसरे को कैसे समझाएंगे? दूसरे लोग तो समझ ही रहे हैं। अब आप यहाँ पर बेटर हाफ या फिर आप मतलब आप वही 18वीं शताब्दी के ही मानसिकता में फंसे हुए लोग में से एक हैं क्या, जहाँ पर महिलाएं अपनी अलग सोच नहीं रख सकती हैं, अलग अपनी राजनीति अपनी नीति में अपने सिद्धांत में नहीं चल सकती हैं? तो बस वही है मेरा कारण। और दूसरा व्यक्ति अपना क्या किस सोच में चल रहे हैं, वो अपनी क्या विचारधारा में चलना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। हम देखिए किसी पे आज तक हमने कभी अपने विचारों को ना थोपा है ना किसी को अपने विचार थोपे। मेरे अपने जीवन के अपने नीति सिद्धांत, मेरी अपनी परवरिश, मेरे अपने संस्कार रखे हैं और मैं उसी के हिसाब से चलती हूँ, चाहे वो राजनीति हो या निजी जीवन। मगर आप देखिए आप बातें को आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, आप निजी जीवन पे क्यों ले जा रहे हैं? नहीं नहीं मैडम, मेरा ये था कि जब संगठन सभी लोगों को बताएगा कि हमारा क्या मांग है और क्यों ये झारखंडियों के लिए जरूरत है, तभी तो आए हैं हमारा अंत करने के लिए। उन लोगों ने उसी समय से ये भोजपुरी मगही मैथिली को यहाँ पर राजभाषा दर्जा देने की बात को वहाँ पर चर्चा वहाँ पर कयावाज शुरू हुई। ये सारा खेल हमारे अपने जो है विरोध में ये सब चलता रहा और आखिरकार हो गया ये सब। 2011 में जब मैं विधायक थी मैंने इसका पूर्ण विरोध किया था, यहाँ तक कि बंगला और उड़िया भाषा के लिए भी किया था क्योंकि बिहार झारखंडी भाषाएं हैं, झारखंड के भाषा के आधार पे पश्चिम बंगाल अलग बन चुका है, भाषा के आधार पे आपका उड़ीसा अलग बन चुका है, क्या अगर हम उनकी भाषाओं को यहाँ पर जगह देते हैं तो क्या हमें पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हमको क्या नौकरी मिलेगी, क्या बिहार में मिलेगी जो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बनाए? बल्कि हमारे तो यहाँ लोग जब बिहार में क्वालिफाई करते हैं तो किस तरह से मारपीट के भगाया जाता है कि झारखंडी तुम यहाँ नौकरी करने आए हो, मुंह पे चिट्ठी फेंक के दी गई कि आपका काउंसिल, क्योंकि आप झारखंड के निवासी हैं आपको आपका काउंसिल यहाँ पर रद्द किया जाता है क्वालिफाई करने के बाद भी। यह सारा कुछ हो रहा है दूसरे राज्यों में और हम यहाँ पर अपने राज्य को एक खुला चरागाह और खड़ा बना के यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर तीसरी चौथी नौकरी की बात होती है हमेशा स्थानीय नीति की,
क्या हमारे लोग सेकंड क्लास जो हमारी स्टेट सर्विस है उसके लायक नहीं है क्या? उस सेवा को भी क्या सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है? दूसरे राज्यों में आप जाके देखिए, अगर 2-3% से भी ऊपर अगर इस तरह की सेवाओं में अगर किसी बाहरी दूसरे राज्य के लोगों को वहाँ पर अप्लाई भी करने अगर दिया गया हो, मेरे खुद का देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये विज्ञापन भी दिया है कि ये विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। जो बवाल यहाँ पर शुरू हुआ तो बिहार की राज्य ने भी ये घोषणा की कि बिहार में नियोजन बिहारियों के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही नियोजन होगा, हमारे संसाधन जो हैं हमारे अपने राज्य के विकास के लिए होगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। पंजाब के भी जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी तो ये सब सारी बातें कह दी, भले वो बाद में इससे मुकर गए, मगर ये भावना सब जगह चली गई है कि इस तरह का अगर झारखंड में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। संवैधानिक रूप से हमारे जो अपने अधिकार, हमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, उनका लगातार हनन होता गया है, और ये सारा कुछ जो है हमारे जो जितने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं उनकी अपनी स्वार्थ नीति और अपनी वोट की राजनीति के चलते ये सारा जो अन्याय और ये जो जिस तरह का हमारे लोगों को झेलना पड़ा ये अपमान, ये आज ये वक्त आया है। इसी अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।